हेलो फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं हूं नवनीत और आप देख रहे हैं कैमरा हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी वीडियो को 4K में, 4K रेजोल्यूशन में कैसे रेंडर करें। जैसे कि आजकल यूट्यूब पे हम लोग 4K वीडियो अपलोड करते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मली कोई वैसी वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें मतलब छोटा छोटा लिखा हुआ है, जैसे कंप्यूटर का, जैसे मेरा ट्यूटोरियल वीडियो होती है, वैसा अगर शूट कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप किस तरह से आप 4K वीडियो कैसे आप कन्वर्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे देखिए ये वीडियो है, हमें जाना है रेंडर पे। हमारी वीडियो पूरा एडिट हो चुकी है, आपको वीडियो एडिटिंग की पूरा क्लिप चाहिए तो हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। और हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें इसका नाम दे देना है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं वीडियो का। जैसे कि मैं ये माइक के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो ये माइक में डाल दिया। लोकेशन आप डाल दीजिए, जो भी आपका जहाँ पे आपको सेव करना वीडियो को, और मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ माइक फाइन। ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया सेव। ठीक है, अभी फिर उसके बाद हमें जाना है, ये देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कस्टम करना है, प्रोरेस करना है, H264 करना है, यूट्यूब करना है। तो ये प्रीसेट्स लोग सोचते हैं कि प्रीसेट में हम जाके इसको यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो कभी भी प्रीसेट करने से अच्छा है कि आप कस्टम में जाके सारी सेटिंग्स करें। तो यहाँ पे रेंडर में आकर हमको सिंगल पर रखना है, वीडियो में आप आ जाइए क्विक टाइम और H264, जिसे ये मेरा 16 का वर्जन है। आपके पास अगर 18 होगा तो यहाँ पर 265 होगा, आप 265 कर दीजिएगा और फिर नॉर्मल ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे आप रेजुलेशन को आपको कर लेना है यहाँ पे 3840x2160 अल्ट्रा HD, ये आपका 4K का रेजुलेशन है, यहाँ पे इसको कर लेना है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे करना है, ये जो 80,000 है इसको कर लेना है 50,000। जैसे अगर आपका 24 या 25 का फ्रेम रेट है तो उसको 50,000 कर लीजिए, अगर 60 का फ्रेम रेट है तो 80,000 कर लीजिए, या 1,20,000 कर लीजिए, मतलब उसके हिसाब से ये करते हैं। जैसे नॉर्मली हमारा 24 का प्रोजेक्ट फ्रेम रेट है तो उसके हिसाब से हम इसको 50,000 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कर लिए और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्ट एड टू रेंडर क्यू और यहाँ से कर लेंगे स्टार्ट रेंडर। ठीक है, ये रेंडर होने के बाद मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए हमारी ये वीडियो रेंडर होकर कंप्लीट हो गई। अभी ये इसको हमें चेक करना पड़ेगा कैसे मतलब 4K हुआ है या कितना रेजोल्यूशन में है। तो यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा ओपन विथ क्विक टाइम प्लेयर। आप उस वीडियो को क्विक टाइम प्लेयर के साथ में ओपन कर लीजिए। वहाँ पे जाके आपको करना है कमांड आई या कंट्रोल, मतलब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देख लेना, आपका जो भी PC है, विंडोज़ है या फिर मैक है। मैं अभी मैक में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कमांड आई करना है। कमांड आई करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 3840x2160 इस रेजोल्यूशन में हमारा ये जो वीडियो है वो शूट हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये 24K फ्रेम रेट पे है और ये जा रहा है 241.7 MB की वीडियो है, जो कि सिर्फ 4 मिनट 50 सेकंड की है, मतलब 250 MB की वीडियो 4 मिनट 50 सेकंड की वीडियो है। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कि कितनी GB की है। ठीक है, मैं अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसको अपलोड करूँगा यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद दिखाऊँगा कि ये वहाँ पे क्या शो कर रहा है। तो दोस्तों, हम आ गए अपने यूट्यूब के ऊपर और हमने अपनी वीडियो को अपलोड कर लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये लिंक के साथ में यहाँ पे ये आप शो हो रहा है यहाँ पे HD और 4K, मतलब आपकी वीडियो जो है वो HD में भी देखी जाएगी, HD में भी देखी जाएगी और 4K पे भी देखा जाएगा, मतलब आपकी वीडियो को TV में बड़ी स्क्रीन में देखा जा सकता है, जिसमें बिना किसी फटे हुए वीडियो के या फिर बिना किसी पिक्सल फटने के। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।